मीठा है कि नहीं? अभी रेसिंग हो रहा है, कौन जल्दी जीतता है। देख रहे हो ना, इन दोनों में रेसिंग चल रहा है। तो देखो कैसे खा रहे हैं ये लोग। अरे यस, आराम से यार। दिव्यांश, मैं एक कतरा की बात किया तो मुझे एक कतरा ही मिला। ये देखो, हद होती है यार, हद नहीं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप फिर से एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, अभी मैं निकल चुका हूँ, लगभग सुबह के बज रहा है 8 और मैं हूँ झूसी पुलिस चौकी के पास। तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स, जाना है मुझे अल्लाहपुर, कुछ काम है और एक लोग से मिलना भी है। तो सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में दिखेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनेगा फ्रेंड्स। तो आप लोग ब्लॉग जरूर बने रहिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी निकलते हैं यहाँ से, लगभग 8 हो गया है, 8 बज चुका है। तो फटाफट फ्रेंड्स निकलते हैं, आपको सारा व्यू दिखाते हैं। सर, मैं हूँ बमरौली के पास। बमरौली एयरपोर्ट जो है ये रोड के सीधा जस्ट पीछे है और थोड़ी दूर पे ही एयरपोर्ट है। और मैं आया था एक भाई का पेपर पे, तो आए थे बनारस से, तो उन्हीं का पेपर दिलाने में आया था यहाँ पे। तो मैं उनको छोड़ दिया और यहाँ से फटाफट निकल रहा हूँ। और फ्रेंड्स, आज है जो प्रयागराज में वोटिंग पड़ा था, आज उसका मतलब काउंटिंग है। तो मतलब रोड वगैरह सारा जाम है, सही तरीके से नहीं खुला है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। रोड वगैरह सब बंद कर दे रहे हैं, घूम घूम के मतलब अंदर अंदर जाना पड़ रहा है। फिर भी चलो देखते हैं, जहाँ तक रोड चालू होगा चलेंगे, उसके बाद अंदर से घूम के जाएंगे। तो ये देखो रोड, ये पीछे मेरे बमरौली चले गया और इस साइड सिविल लाइन धूमनगंज मुडेरा मंडी गया है। तो चलो यार फटाफट चलते हैं, इसमें बज रहा है 1 दोपहर के 1 और बहुत तेज़ धूप है, प्याज बहुत तेज़ लग रही है, पानी भी नहीं मेरे पास। तो चलते हैं कहीं, देखते हैं अगर बॉटल वगैरह मिलता है तो पानी वानी पियेंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। ठीक है, तो फटाफट चलो फ्रेंड्स निकलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं भी पहुंचा हूं ये सब सुलम सराय में। और देखिए हमारे साथ हैं राहुल भाई। मैं बमरौली से लौटा तो इनको फ़ोन किया, भाई बोले कि आ जाओ यहीं सुलम सराय में ही। तो यहाँ पे आया तो मारुति एजेंसी है ना बगल में, मारुति एजेंसी है सुजुकी की, तो यहीं भाई साथ में है। तो अभी फ़िलहाल पी रहे हैं स्प्राइट और भाई पी रहे हैं थम्सअप। तो पी लेते हैं, मैं भी निकलता हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और बिना ठंडा लिए और या फिर पानी पिए चला नहीं जा रहा है, इतनी तेज़ धूप है। तो पीते हैं यार। हाँ, वैसे फ्रेंड्स मैं ज़्यादा पीता नहीं है, आज राहुल भाई पिला पी लिया, पर पीता नहीं है सब, कभी भी नहीं। मैंने जबरदस्ती कर दिया है तभी। हाँ, वैसे मैं पीता नहीं ये सब, माजा में जुड़ रहा था, माजा सही रहता है लेकिन ये सब नहीं पीता हूँ। तो फिलहाल कुछ टाइम राहुल भाई से बात करेंगे, उसके बाद निकलते हैं हमें प्रयागराज सिविल लाइन के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं सिविल लाइन एरिया पड़ता है ना, तो सिविल लाइन एरिया में है। और पीछे आप देख रहे हैं ना, मारुति सुजुकी का शोरूम है जो सरस्वती मोटर है, इसे लोहिया मार्ग भी कहते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं और राहुल भाई आए थे कार की मतलब देखने के, कौन सी कार हमारे लिए बेटर हो सकती है। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक कार लेने के लिए। तो भाई ड्राइव तो नहीं पाए लेकिन काफ़ी देख, और सोच रहा हूँ कि हाँ इस शोरूम में और कौन सी कंपनी बेटर होती है। अब डायरेक्ट की कंपनी में वहीं से ले रहे तो सही नहीं है ना, और शोरूम लोग देखेंगे क्या। तो भाई आज का ऐसा कुछ था, राहुल भाई का मूड बन गया, भाई करने का बहुत मन कर रहा है, तो इंक्वायरी करते हैं, बोला चलो इंक्वायरी करते हैं। हम लोग इंक्वायरी किया यार, अच्छा लगा और अच्छे अच्छे कार वहाँ पे देख रहे, हम लोग का भी एक सपना है भाई कार लेने का। इंक्वायरी अभी करना शुरू कर दिए। देखो क्या होता है ना, जब आपकी एकदम तमन्ना रहती है कि एकदम मतलब दिल से इच्छा रहती है चीज़ चाहिए, तो वो काम करना ही पड़ता है, करना शुरू कर दो। हेल्प से हाँ बिल्कुल, आप लोग सपोर्ट करो, हम लोग थोड़ा हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। अभी फ़िलहाल अभी निकलता हूँ यहाँ से और राहुल भाई भी जाएंगे, क्योंकि बज रहा है 3:30 इस समय। तो चलते हैं, आगे का सफ़र तय करते हैं यार।
झूसी एरिया में जो है ड्रोन उड़ाया जा रहा है, और क्योंकि आज काउंटिंग है ना, तो इसीलिए मीडिया वाले हैं ड्रोन वगैरह सारा चीज़ उड़ा रहे हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ घर पे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो चुका है। मैं झूसी पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं तरबूजा लिया और फटाफट निकलते हैं घर पे, आम वगैरह ले लिया हूँ, क्योंकि यश और दिव्यास आम मंगाए थे और तरबूजा, दोनों का अलग अलग च्वाइस था। मैं चल के घर चलते हैं। आज काउंटिंग था चुनाव का, तो पूरा मतलब रोड देखिए पूरा जाम है, आगे गाड़ी जो है एकदम रेंगते हुए रही है, रोड जाम, क्या बताए यार। ये देखिए गाड़ी कर तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और ये देखो यश और दिव्यांश के लिए लाया था खरबूजा, इसको खरबूजा बोलते हैं ना, ये तरबूजा। फ्रेंड्स मेरे को समझ नहीं आता है कि जो हरा हरा आता है ना बड़ा बड़ा, वो तरबूजा कहते हैं खरबूजा, और मैं इसी में कन्फ्यूज हो जाता हूँ। और एक हरा वाला भी आता है, और एक मतलब बहुत डार्क काला टाइप होता है। तो ये सात खरबूजा है, ये देखो, तो देखो कैसे खा रहे हैं ये लोग। अरे यश आराम से यार, दिव्यांश ने देखो ये लोग खाने में इतने व्यस्त हैं, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। हाय करो, हाय। मिठाई कि नहीं, अभी रेसिंग हो रहा है, कौन जल्दी जीतता है। देख रहे हो ना, इन दोनों में रेसिंग चल रहा है भाई, काट के ये काट के फटाफट रख रही है, और कौन ज्यादा खाता है उसको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा उसको, उसको कैडबरी मिलेगा जो ज्यादा खाएगा। रेसिंग देखो यश का, देखो यश छीले नहीं है, छीले नहीं है तब भी खाने लगा है, इतना जल्दी जल्दी कर रहा है, बिना छीले वाला उठा रहा है, आराम से आराम से। रेसिंग कंपटीशन देखो, गाल में नाक में हर जगह लगा ले रहा है, और दिव्यांश का देख लो, दिव्यांश आराम से देखो है। दिव्यांश का भी छील दो, छीले थे लेकिन रेसिंग में अब इतना जल्दी छील नहीं पा रहे हैं ना। मतलब इन लोग का मुंह तेज चल रहा है, तुम्हारा हाथ कम चल रहा है। नहीं हाथ चल रहा है, लेकिन दिव्यांश ऐसा नहीं खा जाता है, जो छीले उसको खा लो, जल्दी कम ऑन कम ऑन, हरी अप चल चल चल। तो चलो यार, इन लोग में कंपटीशन चलता ही रहेगा, ये लोग मतलब कुछ भी लाओ फटाफट, मतलब एकदम कंपटीशन लगा लेते हैं, भैया ज़्यादा खाएगा कि मैं, और दोनों मस्त होड़ लग जाती है कौन ज़्यादा खाएगा। ठीक है, लोगों खाने देते हैं, अपना काम कर रहे हैं, देखो ये देखो काम कर रहे हैं। तो ठीक है, इस समय बज रहा है लगभग 6 बजने वाला है, यश को मैं गया ट्यूशन से लेके आया, तो 6 बजने वाला टाइम। ठीक है, और मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, नहीं तो ये लोग एक कतरा भी नहीं मेरे लिए छोड़ेंगे, एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे, इतनी तेज़ी के साथ लपटे हुए हैं। ये देखो, मैं एक कतरा की बात किया तो मुझे एक कतरा ही मिला, ये देखो हद होती है यार। हद नहीं, बात की बात होती है, बात की बात होती है। आप एक कतरा बोले, मतलब जो बोले कोई, अगर मान लो कोई आ गया मेहमान, बोलेगा लाओ अच्छा एक रोटी खा लो, एक ही रोटी मिलेगा उसको, मेहमान को थोड़ी नहीं मिलेगा एक रोटी। मीठा यार उसका हो गया, वो बोल रहा था कि मीठा नहीं रहेगा तो कल मिलना, नहीं मैं झूसे से लिया था, बोला कि अगर मीठा नहीं रहेगा तो कल मिलना, तो लेकिन मीठा यार अच्छा है, 30 रुपया किलो दिया, और ये जो था एक था, एक किलो था 30 रुपये में, एक ही था बड़ा सा। ठीक है, और ये इसका तो हो गया, खा लिया है वो, देखो किधर गया, किधर गया, उधर देखो भाग गया बाहर सुसु करने, और दिव्यांश अभी लपटा हुआ है, इसका देखते ही ये कब हार मानता है। दिव्यांश और अभी बोल रहा है और खाऊंगा, और
चलो यार, एक नसीब में और हुआ। तूफानी फ्रेंड्स अभी बज गया रात के 11:30 क्या 12:15 बज रहा है। ये देखो 12:15 बज रहा है और सब लोग दूसरे वाले कमरे में सो चुके हैं और मैं दूसरे वाले कमरे में। ये देखो यहाँ पे पहले हम लोग यहीं पे सोते थे, लेकिन ये जो है पंखा देख रहे हैं ना, पंखा बहुत स्लो चल रहा है, पंखा तो हवा लगता नहीं हम ब्रोवर, तो हम लोग को उन लोग को दूसरे कमरे में कर दिए। मैं थोड़ा टाइम तक यहीं काम करूँगा कुछ, उसके बाद निकलूँगा वहाँ पर जाऊँगा दूसरे कमरे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत इतनी गर्मी में बैठा हूँ। ये देखो कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग मज़ा आया हो, पसंद आया हो फुल व्लॉग, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो। तो अभी मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय गुड नाइट।